दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोहली से लड़ाई क्या हाथापाई तक करने पर है, शाकिब अल हसन ने अपना बयान दे ही दिया है और कुछ ऐसा कह दिया कि कोहली से लड़ने पर सुनकर शायद कोहली भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार घमंड में चूर शाकिब अल हसन ने कोहली पर क्या कह दिया है, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस लड़ाई में गलती किसकी थी वाकई में, कोहली या शाकिब अल हसन की, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच को तीसरे दिन के खेल में भारत ने लगभग जीत लिया है, ऐसा सबको लगने लगा था। लेकिन तब तक जब तक भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट नहीं गिरे, दोस्तों हमने भले ही बांग्लादेश को 227 पर ऑल आउट किया दूसरी इनिंग्स में, 231 पर ऑल आउट किया और 145 का टारगेट देखकर हम खुश भी बहुत हो रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि दोस्तों दूसरी इनिंग में जब भारत को बल्लेबाजी करने के लिए या लक्ष्य चेस करने के लिए मैदान में आना पड़ा तो विकेट ऐसे गिरे के मानो कोई खिलाड़ी मैदान में आ रहा था तो इतने दूसरे जा रहा था। आप जानकर दंग रह जाएंगे, केएल राहुल, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा मिलकर भी 216-17 रन तक नहीं बना पाए। तीन झटके लगने के बाद कोहली, एक मैच्योर खिलाड़ी, बड़े सूझबूझ तरीके से अपना विकेट बचाने का सोच रहे थे और इसमें हर्ज भी क्या है। और दोस्तों अक्षर पटेल भी अच्छी बैटिंग करते नजर आए। लेकिन दोस्तों पारी के 20वें ओवर में फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कोई अपेक्षा ही नहीं की थी और फिर तो ऐसी लड़ाई हुई कि अंपायर साहब को भी बीच में आना पड़ गया। दोस्तों वह के पारी के 20वें ओवर का है, विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और बैटिंग करके डिफेंड करके अपने आप को बचाना चाह रहे थे दिन के खेल के कुछ अंतिम ओवर जो चल रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही पारी के 20वें ओवर में मेहदी हसन आते हैं, उनकी एक गेंद को डिफेंड करने के चक्कर में विराट कोहली शॉर्ट लेग पर खड़े मोमिनुल को कैच थमा बैठते हैं, जिसके बाद दोस्तों मोमिनुल तो छोड़िए पीछे से आकर तैयजुल इस्लाम भी विराट कोहली को स्लज करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों शाकिब अल हसन को बीच में आना पड़ता है लेकिन वो भी गुस्से में विराट कोहली से ही भिड़ जाते हैं। हालांकि दोस्तों फिर अंपायर बीच में आते हैं जिसके बाद विराट कोहली समझदारी दिखाते हुए मैदान से चुपचाप बाहर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब इस वाक्य पर कोहली से लड़ाई पर खुद शाकिब अल हसन ने अपनी सफाई पेश कर दी है और आखिरकार घमंडी शाकिब अल हसन ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों शाकिब अल हसन ने विराट कोहली से लड़ाई पर कहा, आज जिस तरीके से दूसरी इनिंग्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी करी वो वाकई में काबिले तारीफ है। भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत घमंड था हमें कम स्कोर पर आउट करने का, लेकिन हमारी टीम ने भी तीसरे दिन में जो फाइट बैक किया है वो किसी जीत से कम नहीं है हमारे लिए। उम्मीद है हम इस मैच को चौथे दिन के खेल में जरूर जीतेंगे। दोस्तों जब शाकिब अल हसन से कोहली से लड़ाई पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए मैदान की लड़ाई है, मैदान में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ यह जरूर कहना चाहूंगा कि विराट कोहली को भी बाकी खिलाड़ियों की तरह आउट होने के बाद विरोधी टीम के सेलिब्रेशन को स्वीकार लेना चाहिए। हाँ मैंने बीच में आना चाहा जब विराट कोहली हमारी ही टीम पर उल्टा बोले जा रहे थे, लेकिन विराट कोहली एक बड़े प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि ऐसी बातें उन पर शोभा नहीं देती और उम्मीद है वो इसे ज्यादा पर्सनल नहीं लेंगे। दोस्तों शाकिब अल हसन कितने घमंडी हैं ये हम सभी जानते हैं। अंपायर के सामने विकेट उठाकर पटक कर मारना हो या उन्हें घूरना हो या कोहली जैसे खिलाड़ियों से लड़ना हो, ये सब वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं और आज भी कोहली से भिड़ने वो अपनी टीम के लिए खुद ही आगे आए थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इस पूरे मुद्दे में कोहली की गलती थी या शाकिब अल हसन की, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।